हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्व में। आज हम बात करेंगे AC और DC करंट के बारे में। जैसा कि आप जानते ही AC यानी अल्टरनेटिंग करंट, या इसको हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और DC जिसको हम की डायरेक्ट करंट या दृष्टि धारा बोलते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे, स्टूडेंट्स से कुछ कमेंट्स आए थे कि सर AC और DC पे ज़्यादा खतरनाक कौन सी करंट होती है, और अगर दोनों का वोल्टेज का मान समान हो तो हमें जो विद्युत का झटका लगता है वो कितने वोल्टेज का लगता है और किसका लगता है। क्योंकि तो जैसे हम आज बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि हम जानते हैं कि AC हमारे घरों में जो आती है वो 230 वोल्टेज होती है, पर अगर DC की बात करें DC का मान 230 वोल्ट है। यदि दोनों का वोल्टेज का मान समान होगा, जी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए इस जगह कि अगर दोनों के वोल्टेज का मान समान होगा तो DC में तो हमें 230 वोल्ट का ही झटका लगेगा, जबकि AC का झटका लगेगा हमें 325 वोल्ट का। वो कैसे, आप देखिए कि 230 वोल्ट AC और 0.707 जो कि RMS वैल्यू होती है, जब हम इसको देखते हैं 230 को 0.707 यानी RMS मतलब रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, RMS को 230 से मल्टीप्लाई करते तो 162.61 आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि AC जो साइन वेव होती है ये प्लस से माइनस की ओर चलती है, प्लस और माइनस की ओर। जब हम प्लस एक हाफ साइकिल की बात करें तो 162.61, और जब माइनस में एक और हाफ साइकिल की बात करें तो 162.61, जिसका टोटल मान आएगा आपका 325.22 वोल्ट। जबकि DC में ऐसा नहीं होता, DC का आप जानते हो कि DC की जो साइन वेव होती है वो सिंपल होती है, साइनसोइडल नहीं होती है, ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि AC जो होती है वो अपने टू साइकिल से भी कम्प्लीटली हाफ साइकिल प्लस का और हाफ साइकिल माइनस का कम्प्लीट करती है, तब जाके ये एक साइकिल कम्प्लीट करती है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे AC के जो वोल्टेज का मान होता है घरों में 230 वोल्टेज होता है, ठीक है, जबकि DC का अगर हमें पहचानने का हो तो DC को प्लस और माइनस से हम DC को पहचान कर सकते हैं, तो हम DC की पहचान प्लस और माइनस से भी कर सकते हैं। हमने भी देखा है कि AC और DC अगर दोनों के वोल्टेज के मान समान हो तो हमें झटका AC का ज़्यादा लगता है DC की अपेक्षा, पर अगर दोनों के वोल्टेज के मान अलग अलग हो, जैसे कि सपोज दैट DC का वोल्टेज का मान हमारे पास 200 वोल्ट है और AC के वोल्टेज का मान 50 वोल्ट है, तो हमें झटका DC का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि DC डायरेक्ट करंट होती है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि हमें मानव को कितने वोल्टेज पर विद्युत का झटका लगता है। तो नॉर्मली जो मानव होता है, मनुष्य को नॉर्मली 90 वोल्ट पर विद्युत का झटका महसूस होता है, और यही कारण होता है कि पनडुब्बी का वोल्टेज का जो मान है वो 110 वोल्टेज रखा जाता है, जैसा कि आपने देखा। और एक जैसे हमें 90 वोल्ट पर विद्युत को झटका महसूस होता है मानव को, अब हम देखते हैं कि कितने वोल्टेज पर हमें टेस्टर इंडिकेट करने लग जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो हमारा लाइन टेस्टर होता है ये हमें 70 वोल्टेज पे इंडिकेट करने लग जाता है कि यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है, यहाँ पर हमें विद्युत का झटका नहीं लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 वोल्ट में मनुष्य को विद्युत का झटका महसूस होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पीड होती है वो होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। हमें झटका क्यों लगता है, क्योंकि जब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी स्पीड यानी विद्युत की जो स्पीड होती है हमारी, वो कितनी होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट नहीं कर पाती, जो कि ब्लड की स्पीड जो होती है
ब्लड की जो स्पीड होती है वो होती है आपके 3 to 4 mph. mph का मतलब है यहाँ पर मील पर आवर. ये हमारे जो ब्लड की स्पीड से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड कॉम्प्रोमाइज सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, इसलिए हमें मानव को विद्युत का झटका महसूस होता है. वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए.